my contents about Sadhana Sargam's next episodes. And today my these contents are आज के कारण हम आपको साधना सरगम की आवाज़, इंडियन सिंगर्स जो भारतीय भाषाओं में गाने गा चुकी है उनकी आवाज़ के मतलब थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देते हैं. लेकिन हु आर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड दिस वे एंड प्लीज ऑल्स वीडियो जो होल्स वीडियो प्लीज़ कम्प्लीटली वॉच. अब उनकी जो वीडियो है इसको जरूर सब्सक्राइब करें. और आज के कारण हम आपको आशीर्वाद कहते हैं, नमस्ते कहते हैं. और आज हम आपको एक और छोटा सा गाना सुनाते हैं जिसमें उनके साथ कुमार सानू ने गाया है. तो शुरू करते हैं हम एक आवाज़ को, लेकिन वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको कम्प्लीटली मालूमात हासिल हो. और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल क्वार टैलेंट शो ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और उस पर ज़रूर कमेंट्स दिया करें और इसको ज़रूर शेयर करें और दूसरों पे सब्सक्राइब करवाएँ. चलें, हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं. हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं. दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं. जब तेरे ख्यालों में गुमसुम हो जाते हैं, जब तेरे ख्यालों में गुमसुम हो जाते हैं, कोई नाम तेरा पूछे तेरा नाम बताते हैं. कोई नाम तेरा पूछे तेरा नाम बताते हैं. याद है आशा साधना सरगम वॉइस, उनकी जो आवाज़ है वो 80s की दस्तक में इंडियन फिल्म में हर एक्टर्स पर अपनाए गए. लेकिन साधना सरगम की आवाज़ में सुर है, वो आवाज़ को जो है ऊपर के सुर में जो है उसको मिलाती है और उसमें जो है चंचल है, शौक है उसकी आवाज़. और वो जो है आवाज़ को बहुत शौकी के साथ अदा करती हैं. और उसकी जो आवाज़ है वो ज़्यादातौर पर इंडियंस जो एक्ट्रेस थी दिव्या भारती आशिकी फिल्म्स में जो उसको जो है दिल का कसूर में उसको जो है उसको ज़्यादा जो है अपनाया गया और उस पर उसकी आवाज़ स्वीट होती थी. एवरी सिंगर्स हो वॉइस टू मैच टू इन एक्ट्रेस, हर एक सिंगर की आवाज़ जो हीरो और हीरोइन पे जो है मैच की जाती थी. लेकिन साधना सरगम की आवाज़ जो है बहुत से सिंगर पे बहुत से एक्ट्रेस पे जो अपनाई गई और जिसमें उन्होंने गाने बहुत सुरीले गाए. और याद रहे कि साधना सरगम का ये 80 की दस्तक में उन्होंने जो 32 भाषाओं में गाया और उनकी आवाज़ जो थी वो बहुत उनमें मिठास था और एक नई चंचल शोक लड़की गा रही हूँ. और जस्ट लाइक टू अ गर्ल्स हिज वॉइस इज़ वेरी स्वीट, हिज वॉइस इज़ वेरी कलरफुल, हिज वॉइस वेरी अट्रैक्टिव एंड वेंस शी सॉन्ग्स साधना सरगम जस्ट लाइक टू इस उसका जो एक सॉन्ग्स था जो बहुत मशहूर रहा, तो उसको हम थोड़ा सा आपको सुनाते हैं. लेकिन उसकी आवाज़ में तड़प है, लोच है और आशिकी में उसकी जो आवाज़ को जो है दिव्या भारती पे अपनाया गया. जैसे कि उसकी आवाज़ में तड़प है और वो आवाज़ की अल्फाज में वर्ड्स में घूम घूम कर जो आवाज़ को फेर के
करती हैं, जिस तरह साधना की आवाज़ जो है वो बहुत अल्फाज को बहुत खूबसूरती से अदा करती हैं। इस ब्यूटीफुल वर्ड्स सेलेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट से शी सिंगिंग अ सॉन्ग्स एंड जस्ट लाइक टू एस अदर सॉन्ग्स वी आर गोइंग टू सबसे हम सॉन्ग्स उनको जो है बेकरारी वाले और तड़प वाले गाने दिए गए और उनमें जुदाई के गाने सारा सरगम में ज़्यादा गाए हैं। और याद रखें कि कुमार सानू के साथ इसके हिट जो सॉन्ग हैं वो भी मैं साथ साथ गा रहा हूँ। एंड फेमस सॉन्ग्स विद कुमार सानू ग्रेट सिंगर्स इंडियंस जस्ट लाइक टू हिज अदर सॉन्ग्स अदर सॉन्ग्स भी थोड़ी सी मालूमात देते हैं। उनका एक गाना है बहुत मशहूर रहा है जो कुमार सानू के साथ उन्होंने गाया है, साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है, ओ साथी हो मितवा हो। दिस सॉन्ग वॉज वेरी फेमस साधना सरगम वाइज आई हैव प्रैक्टिस द डिफरेंट just like to border films you can songs just like to other songs na kachre ki thar na motiyon ke sindhar tu kitni sundar ho na kachre ki thar na kachre ki thar na motiyon ke सिंगार कितनी सुंदर हो।
साधन सरगम की ओरिजिनल आवाज़ है, हिज़ ओरिजिनल वॉइस, ही इज़ नॉट कॉपी एनी सिंगर्स, हिज़ ओरिजिनल वॉइस, ही इज़ उसकी जो अल्फाज की अदायगी है बहुत खूबसूरत है और वो जुमलों को सेंटेंसेस को सही अपनी जगह पर छोड़ के जाती हैं और उसमें कमाल यह है कि आवाज़ को जो है सुर में इतनी सुर में चली जाती हैं कि उसकी आवाज़ में लोच और स्वीट और वो जो है एक इंसानी तबीयत पर इफेक्ट होता है और एक करंट सा पैदा हो जाता है और अफेक्टिंग हिज़ वॉइस जस्ट लाइक टू अदर सॉन्ग्स वी आर गोइंग टू other songs you can different songs you can aashiqui mein aashiq ho jata hai majboor aashiqui mein aashiq ho jata hai majboor kisne dil ka दिस वे अब उनका गला थोड़ा ख़राब है लेकिन आई एम ट्राइंग टू बेस्ट टू यू लर्न्स टू वॉइस टू बी हु आर वॉचिंग दिस माई वीडियोज एंड अदर सॉन्ग्स. उन्होंने कुमार सानू के साथ एक और गाना मैं आपको सुनाता हूँ जो 1980s का हिट सॉन्ग्स कुमार सानू के साथ उनकी जोड़ी जो है बहुत मिच रही और इसमें याद रखें कि 1980s के पहले पहले ये जो साधना सरगम का दौर था ये बहुत रंगीन था और इसमें साधना सरगम वाज द सुपर हिट सिंगर्स ऑन दोज टाइम्स. इनकी जो मद मुकाबल बहुत कम फीमेल प्लेबैक सिंगर थी लेकिन इनकी आवाज़ जो एक और आपको सुनाती हैं. उसका जो एक बहुत सुपर हिट सॉन्ग जिसमें अवार्ड इसको मिला और विनोद खन्ना भी इस गाने को अपनाया गया. हम आपको गाना एक और भी सुनाते हैं जिसमें जब कोई बात बढ़ जाए तो जब कोई बात बिगड़ जाए तो जब कोई बात बढ़ जाए तो जब कोई मुश्किल में पड़ जाए तो तुम देना साथ मेरा. जब कोई बात बढ़ जाए तो जब कोई मुश्किल पड़ जाए तो तुम देना साथ मेरा. हम नवा जब कोई बात बिगड़ जाए तो जब कोई मुश्किल में पड़ जाए तो तुम साथ देना मेरा. ओहम नवा टुडे दिस कंटेंट्स साधना सरगम के बारे में अगर आपको कुछ बात हो एनी टॉक्स एनी कमेंट्स यू कैन गिव आप कुछ कमेंट दे सकते हैं. आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल और पे भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को मुकम्मल देखकर करें और कमेंट्स भी जरूर दिया करें एंड गिव टू कमेंट्स साधना सरगम इंडियन ग्रेट सिंगर्स 32 लैंग्वेजेस सिंगिंग ही स्टार्टेड टू हिज करियर्स एंड नियरली हिज अप्रोक्सीमेटली हिज
singing in near countries, different and variety of songs. You have learned, you have listened, and please subscribe and like and give to comments. Any singer, female playback singers, please give to comments. Which singers was best in 1980s to 1990s, and do you like, give to comments. Which song do you like of Sadhana Sargam? Please comments and likes and subscribe my YouTube channels. Thank you for watching.